तो गेमर्स, ये गियर फ्रंट नाम से मोड आने वाला है पबजी में और बीजीएमआई में, तो ये वही हम लोग खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लैंड कर चुके हैं, जो एक आइलैंड छोटा सा बनाकर दिया हुआ है इन्होंने कुछ, और यहाँ पर कुछ एनिमी भी आया है। चलो पहले इनको किल कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या क्या मोड में आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आने वाली है। तो यहाँ पर पहले इसका एक मिनट आया हुआ है, उसको भी किल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए गेमर्स, अब डिस्कस करते हैं जो हमारा न्यू अपडेट आने वाला है 2.2, हेलोइन मोड कहा जा रहा है वैसे इसे। लेकिन उससे पहले गेमर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो गेमर्स, ये जो अपडेट आने वाला है 2.2, उसमें ये जगह जगह पर शॉप्स टाइप में दे रखी हैं और यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दे रखी हैं। जैसे आपने अभी ये देखा, ये जो मैंने अभी किया है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना गेमर्स। तो इस मोड का नाम होने वाला है गियर फ्रंट, और इसमें आपको स्ट्रेंजर टाउन मिलने वाला है। ये आपको दो जगह स्पॉन होगा, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ये छोटी छोटी शॉप्स टाइप में दे रखी है इन्होंने पूरे मैप में, रेंगल के अंदर। यहाँ पर अच्छी खासी लूट मिलने वाली है, तो यहाँ पर आप लैंड कर सकते हैं। अगर पूरा स्क्वाड में भी आप खेलते हैं तो स्क्वाड में भी आपको अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। और ये भी हॉट ड्रॉप टाइप होने वाला है अब आगे, हमेशा की तरह। यहाँ पर कुछ बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ से आपको ठीक ठाक लूट मिल जाती है। और गेमर्स, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी दिए गए हैं, आपको सेलेक्ट करना है और उस तरह से ये वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कितना अमेजिंग है ये। तो चलिए गेमर्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी चलते हैं स्ट्रेंजर टाउन में। और ये सामने बग्गी है, बग्गी लेते हैं और चलते हैं। ये दो जगह पर आपको स्ट्रेंजर टाउन मिल जाएगा, तो पहले बग्गी में बैठते हैं। और ये हम लोग आ रहे हैं यासनाय में, जहाँ पर आपको मिल जाएगी केबल ट्रॉली, केबल लिफ्ट, और यहाँ से हम लोग जाएंगे स्ट्रेंजर टाउन में। डायरेक्ट भी आप लोग जा सकते हो, बाकी यहाँ पर भी एनिमी आ चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट ड्रॉप होने वाला है। तो पहले इसको देख लेते हैं, फाइट कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर मैं आपको यहाँ पर जो पूरा टूर है वो करवाऊँगा इधर पे आपका स्ट्रेंजर टाउन में। और यहाँ पर भी आपको दोबारा से रिस्पॉन होने के लिए मिल जाएगा कार्ड, जैसे कि अभी आपका जो अभी इस मोड में चल रहा था उसी तरह से यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो एक बार किल होने के बाद आप यहाँ पर दोबारा से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन हो जाओगे। तो चलिए गेमर्स, यहाँ पर ये दोबारा से नॉक हो गया है। तो ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रेंजर टाउन जो हेलोइन मोड में आने वाला है अपडेट 2.2 में। तो यहाँ पर आप जो बलून है, एयर बलून जो होता है, यहाँ पर ये आपको वो भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ गेमर्स, यहाँ पर भी आपको कुछ बॉक्सेस मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छी खासी लूट मिलने वाली, जो ड्रॉप वाली लूट होती है वो यहाँ पर आपको इजिली मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर AUG आई है, तो ऑब्वियसली बात है शायद आपको AWM वगैरह भी मिल जाए, क्रोजा भी मिल जाए। तो ये रहा हमारा एयर बलून, इसमें चलते हैं। बाकी गेमर्स, जैसे जैसे जो जो अपडेट आता रहेगा वो आपको मैं बताता रहूँगा। और गेमर्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। तो ये हम लोग चल चुके हैं एयर बलून में, ऊपर से व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला देख सकते हैं। लेकिन वही है, इसमें इतना मतलब स्टार्टिंग फेज में अच्छा रहेगा, लेकिन इतना कुछ खास ये चीज़ नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर लूट बहुत अच्छी मिलने वाली है, हॉट ड्रॉप होने वाला है ये, कुछ टाइम तक रहेगा हॉट ड्रॉप। फिर उसके बाद जब प्लेयर बोर हो जाते हैं तो वो नॉर्मली दोबारा से अपने नॉर्मल गेम प्ले पे आ जाते हैं, वो वहीं पर लैंड करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो नॉर्मली करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर लूट भी कम हो चुकी होती है। तो चलिए गेमर्स, ये था स्ट्रेंजर टाउन मोड, और जो आपका था गियर फ्रंट के नाम से, इसी के अंदर जो न्यू चीज़ें आने वाली हैं वो मैं आपको अब डिटेल में बता देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं और कौन से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं जो बेटर रहेंगे और कौन से बेकार हैं। तो गेमर्स, सबसे पहले आता है ग्लाइडिंग डॉल। तो गेमर्स, जो ये चीज़ें
ये आपको गेम स्टार्ट होने से पहले सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने ग्लाइडिंग डॉल ले रखी है अभी फिलहाल, और ये देख सकते हो आप जंप करके नॉर्मली फ्लैट सरफेस पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ सेकंड के लिए ये रहता है। आप अभी मैं हाइट पर हूँ तो मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये देख सकते हो काफ़ी लंबा जो डिस्टेंस है ट्रैवल कर लेता है। नॉर्मली आप फ्लैट सर्फेस पर भी इसका यूज़ कर सकते हो ग्लाइडिंग डॉल के नाम से। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास व्हीकल नहीं होता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक ही चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल चीज़ें दे रखी हैं लेकिन सेलेक्ट आप एक ही चीज़ कर सकते हो। तो गेमर्स इसके अलावा कुछ चीज़ें अच्छी भी दे रखी हैं और कुछ बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ नहीं आई थिंक। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये आपका ट्रेस, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेस वैसे किसी काम का इतना है नहीं, तो यहाँ पर जैसे ही जब आप किसी एनिमी को एक भी अगर आपकी बुलेट हिट करती है तो उसके बाद यहाँ पर आपका एक ट्रेस पॉइंट नज़र आने लग जाएगा। वैसे ही इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसे सेलेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं गेमर्स अपने अगले ऑप्शन की तरफ कह लो, या फिर अपनी जो नेक्स्ट पावर हमें जो मिलने वाली है उसकी तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट पावर है वो है हमारी रिमोट शॉप। तो यहाँ पर ये आप कहीं पर भी शॉप को स्पॉन कर सकते हो। इसमें कुछ टाइमर लगा होता है आपका, यहाँ पर 90 सेकंड का टाइमर होता है। जब आप एक बार इसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी, लेकिन 90 सेकंड तक ये रहती है, उसके बाद फिर कूल डाउन होने के बाद ये आप दोबारा से इसको मंगा सकते हो। इसमें फ्लेयर गन वगैरह मिल जाएगी, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये एक ऑप्शन दे रखा था, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, लिया है। यहाँ पर ये बैच 12 करके नाम से लिखा हुआ था। इसमें आपको कुछ नहीं होता, जब आप इसे ओपन करेंगे तो नियर बाई में जो व्हीकल होता है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने अभी क्लिक किया है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर जो नियर बाई में व्हीकल्स हैं आप देख सकते हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। वैसे ये फाइट के बीच में काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप शॉप लेकर चल सकते हो और आप अपने लिए आइटम खरीद सकते हो। लेकिन गेमर्स इसके लिए आपके पास मनी होना इम्पोर्टेंट है जो आपको स्पॉन मिलता है। तो चलिए गेमर्स बढ़ते हैं अपने अगले जो हमारे पावर मिली हुई है उसकी तरफ, और ये है आपकी सप्लाई स्कैन। इसका बेनिफिट यही है कि जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो नियर बाई में जो भी आपकी सप्लाई होगी इम्पोर्टेंट सप्लाई वो आपको नज़र आ जाएगी। ये पहले भी आ चुका था मोड, तो आप ये देख सकते हो मार्कोरी M416 और कार 98, और जो इम्पोर्टेंट आपकी लूट होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसका भी एक टाइमर होता है, तो ये टाइमर तक जब तक रहता है तब तक आप इसका यूज़ कर सकते हो, उसके बाद फिर आपको ये दोबारा एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो चलिए गेमर्स बढ़ते हैं अपने अगली जो हमारी पावर है अपना जो मोड है उसकी तरफ। तो गेमर्स अगला है हीलिंग स्मोक, जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जब आप इसका यूज़ करते हो तो आपकी जो हेल्थ होती है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती है, और साथ ही साथ जो आपकी आपका जो बूस्ट होता है वो भी ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार डेमो। जैसे यहाँ पर मैंने गैस कैन फोड़ी है और यहाँ पर मेरी हेल्थ कम हो चुकी है, और यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा। इसका भी एक टाइमर लगा होता है, और ये आपके पास दो मिलते हैं, मैक्सिमम आपके पास टू होते हैं। मल्टीपल टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन दो से ज़्यादा आपके पास ये रहेगा नहीं। इसके आई थिंक 120 सेकंड का टाइमर लगा, 180 सेकंड का इसका टाइमर लगा होता है, तो 3 मिनट के बाद ही आपको एक अगला स्मोक मिल पाता है। तो यहाँ पर हम लोग चल के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर मैं स्मोक में आ चुका हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हील ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है, और साथ ही साथ जो बूस्टर है वो भी ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ग्लाइडिंग बॉल के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगा है, सबसे अमेजिंग लगा है, वो यही है स्मोक हील। कवर का कवर आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ हील भी आपकी ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने अगले पावर की तरफ। नाम है इसका लकी बैकपैक, जो बिल्कुल वाहियात चीज़ है। इसका बिल्कुल भी यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कुछ और अपडेट में दिखाए तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जो करंट में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। यहाँ पर जैसे मैंने स्मोक इसको यहाँ पर डाला है, और ये 3 ही बार आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये कोई ना कोई चीज़ आपको निकाल के दे देगा। क्या चीज़ निकाल के देता है, किस तरीके से देता है, कुछ अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी निकाल के देता है बिल्कुल बेकार चीज़ है। तो अगर बीटा वर्जन के बाद ये चीज़ ऐसे ही रहने वाली है तो इसका यूज़ बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए गेमर्स बढ़ते हैं अपने अगले मोड की तरफ। तो गेमर्स ये है आपका व्हीकल एयर ड्रॉप। काफ़ी अच्छी चीज़ है वैसे ही, ये आप इसका यूज़ कर सकते हो। जब आप इसको यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपको एक व्हीकल है वो आपको मिल जाता है, मतलब एक प्लेन आता है और ड्रॉप करके जाता है आपके लिए एक व्हीकल। तो इमरजेंसी केस में ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आप कहीं फंस जाते हो। लेकिन वही चीज़ है कि आप एक ही पावर का अपने पास रख सकते हो, तो अगर आप स्क्वाड में हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये व्हीकल आ चुका है, आपके पास यूएज ही आती है, वैसे मैंने काफ़ी बार यूज़ किया था तो यूएज ही आई है हर बार। तो अगर आप स्क्वाड में हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने अगली पावर की तरफ जो आपकी होने वाली है। ये एक स्कैन दे रखा है आपका, तो इसका यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो नेक्स्ट जोन आने वाला था उसको प्रिडिक्ट करके दिखाता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप स्क्वाड में हो तो इसका यूज़ कर सकते हो, बट सोलो के लिए इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। वैसे अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा बेटर हो सकता है।
तो गेमर्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सी पावर है, जो ऐसा मोड है जो आपको पसंद आया, वो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करना। तो गेमर्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी अपडेट आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।